नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी में 36 के आंकड़े का समीकरण बना रहता है, वहीं मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के बहुत बड़े फैन हैं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की, खुद को नितिन गडकरी का फैन बताया है। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी को दिल्ली आवास पर फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले पर प्रधानमंत्री से कार्यवाही की मांग की है। अजीत शर्मा ने कहा कि नितिन गडकरी देश में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। भागलपुर में हो, बिहार में हो या अन्य शहरों में उन्होंने विकास किया है। हम उनके कार्यशैली के फैन हैं। वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब देखिए, आपको ये एक बता दें, नितिन गडकरी जो मंत्री जी हैं वो देश में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। जो विकास उन्होंने किया है, मैंने उसको बड़ी नज़र से देखा, चाहे भागलपुर के मामला हो, बिहार में हो, चाहे और भी किसी स्टेट में हो। नितिन गडकरी एक मंत्री जरूर हैं, मैं तो ये कहूँगा इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर कोई जान मारने से धमकी दे रहा है उनको, आदरणीय प्रधानमंत्री को उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजते हैं तो देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।